एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रूम। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जिसमें हमने देखा था कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तो ये इससे मिलके उनकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होती थी। पर ये इन प्लांट्स के अंदर आता कहाँ से है, अब हम ये पढ़ेंगे। सो प्लांट्स के अंदर एक स्टोमाटा प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और वाटर, वो उनके अंदर एंटर करती है। अब स्टोमाटा क्या होता है? स्टोमाटा को हम सिंगुलर फॉर्म में स्टोमा कहते हैं। पोर्स इन अ लीफ मोस्टली ऑन द अंडर सरफेस। ये क्या होता है कि लीव्स पे जो छोटे छोटे पोर्स छेद प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं को हम स्टोमाटा कहते हैं। ईच पोर्स इज सराउंडेड बाय अ पेयर ऑफ गार्ड सेल्स, मतलब जितने भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनके आसपास गार्ड सेल्स बने हुए प्रेजेंट होते हैं। गार्ड सेल्स कैन चेंज शेप्स टू ओपन और क्लोज द स्टोमा। गार्ड सेल्स से क्या होता है कि जो स्टोमा होता है वो ओपन या क्लोज हो सकता है। तो अब ये कैसे होता है? ये एक यहाँ पे पिक दे रखी है ओपन स्टोमा की और एक क्लोज स्टोमा की। ओपन स्टोमा में क्या होता है कि जब पानी इसके अंदर एंटर करता है, चाहे पानी या कार्बन डाइऑक्साइड जब एंटर करती है स्टोमाटा के अंदर, तो क्या होता है कि ये कर्व शेप में बन जाते हैं और फूल जाते हैं, जिससे पानी अंदर एंटर कर जाता है। उसके बाद जब पानी बाहर निकलता है तो ये क्या होते हैं कि श्रिंक, मतलब सिकुड़ से जाते हैं और इनका जो शेप होता है वो क्लोज हो जाता है। इसमें यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट दिखा रखा है, सेल वॉल है, वैक्यूल है और न्यूक्लियस, ये सारी चीज़ें हमारी स्टोमा के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है CO2 और H2O। सबसे पहले जो प्लांट्स की जो रूट होती है, रूट्स में मतलब सॉइल्स में काफ़ी वाटर प्रेजेंट होता है, तो रूट्स क्या करती हैं कि उस वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं और उस मिट्टी के अंदर जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें एब्जॉर्ब करके हमारी जाइलम टिश्यू प्रेजेंट होती है रूट्स के अंदर, वो उसे ट्रांसपोर्ट करती है हमारे प्लांट तक। वाटर लूजेज बाई ट्रांसपीरेशन पुल्स वाटर इन जाइलम अपवर्ड। जाइलम से हमारा वाटर जो होता है वो पूरा ऊपर तक लीफ में पहुंच जाता है। लीफ टेकन इन CO2 बाय स्टोमा यूज CO2 एंड H2O टू मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस रिलीज O2। इससे क्या होता है कि जब लीफ के पास ऑलरेडी CO2 प्रेजेंट होता है, जो कि वो एयर से ले चुकी होती है, उसके बाद H2O भी जब पहुंच जाता है हमारा जाइलम टिश्यू से, इन दोनों को मिला के और लाइट एनर्जी जो होती है वो उससे मिला के ये लोग ग्लूकोज बना लेते हैं। उसके बाद जो O2, जो एक्स्ट्रा O2 होता है, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बाद हमारा एयर में रिलीज हो जाता है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट सुगर टू अदर प्लांट पार्ट। फ्लोएम क्या करता है कि जो खाना हमारा बन जाता है उससे बचे हुए जितने भी प्लांट्स के पार्ट हैं उनमें उन्हें ट्रांसपोर्ट कर देता है, जिससे कि हर एक प्लांट के पार्ट के पास खाना पहुंच जाए। रूट्स टेकन इन ऑक्सीजन नीडेड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। रूट्स क्या करती है, जब उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उसके रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए, तो क्या करते हैं वो लोग कि ऑक्सीजन को अपने पास ले लेते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे रिलीज करना शुरू कर देते हैं। अब हम जानेंगे कि ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है ये होती कहाँ है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हमारी लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ये एक ऑर्गनल है जो कि लीफ का है, और उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है उसमें होता है। फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स, ये सिर्फ प्लांट सेल पे पाया जाता है जो क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं। क्लोरोफिल एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक फूड। क्लोरोफिल क्यों जरूरी होती है, क्योंकि इसी के थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक फूड, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स जो होते हैं वो खाना बनाते हैं। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना है वो हमारा क्लोरोप्लास्ट का है। इसमें एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, जो एक के ऊपर एक कॉइन जैसा स्ट्रक्चर, उसे हम थायलॉइड कहते हैं, और ये जो गैप है उसे स्ट्रोमा कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन क्या करती है कि इसे प्रोटेक्ट करने का काम करती है।